Good morning, all of you. A very good morning to all. Sabhi logo ko good morning. Kaise hain aap sabhi log? How are you all? Okay. So everybody joined. Kaise hain? Aaj hum log एक 11:32 इन माय वॉच और 11:32 पर 11:32 में हम लोग एक बहुत जबरदस्त फैसला करने वाले हैं और आप सब लोग इस फैसले के भागीदार बनना चाहते हो. अगर आप सभी लोग रेडी हो अपने कैरियर की सबसे फर्स्ट स्टेप में लीड करने के लिए, अगर आप अपने करियर में सबसे फर्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना चाहते हो तो आप सभी लोग मुझे थम्स अप कर दो. एवरीबॉडी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो थम्स अप कर दें और बताएं कि यस सर, वी वांट टू स्टेप द फर्स्ट फर्स्ट लैडर ऑफ आवर सक्सेस. हमारी सक्सेस की पहली सीढ़ी पे हम चढ़ना चाहते हैं. अगर आप सभी लोग रेडी हो तो आप सभी लोग थम्स अप कर दो और हम बेइंतहा फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर चालू करते हैं. लॉ सर, नाम लॉ लॉ बोल रहे हो तो ऐसा सुनाई आ रहा है. लव लॉ लव लव लॉ सर, प्यार ही सब कुछ है. तो क्या आप रेडी हो प्यार करने के लिए? बोलो एवरीबॉडी इन द क्लास, आर यू रेडी? चलिए, तो मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं एंड अर्पिता, यश, रोशनी, तन्वी, तयश्री, श्रेया, बालाजी, आकांक्षा, अनिकेत, स्वप्निल, एवरीबॉडी. चलिए, अगर आप फर्स्ट डे रेडी हो चुके हो अपने सक्सेस के लिए तो क्या मेरे सामने सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं? ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ फाउंडेशन एग्जामिनेशन. और अगर आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं और आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को आज एक वादा कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है. यू आर गोइंग टू लव एंड लर्न लॉ. देखिए जरा मैं हमेशा क्या लिखता हूं, यू आर गोइंग टू लव एंड लर्न लॉ फ्रॉम योर लीगल मेंटर. आपका लीगल मेंटर आपके सामने है जिसका नाम है CMA अनिरुद्ध गुप्ता, ऑल इंडिया मेरिट होल्डर. फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुझे जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे नहीं जानते हैं, वो देख लें, ये आप लोगों के काम की चीज है. ऑल दोज डिग्रीज जिससे आपको ये पता लगेगा कि सर मेरा करियर किसी सेफ हाथों में है. ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन लेवल पे CA फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस लॉज, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर 2 पढ़ाऊंगा, साथ में इंटरमीडिएट में CA इंटरमीडिएट में पेपर 2 अगेन कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. CSEET की बात करें तो वहां पर अभी नया सिलेबस आ गया है CSEET, उसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन लीगल एप्टीट्यूड देखेंगे. और CMA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, हमारा पेपर 3 फंडामेंटल ऑफ लॉज एंड इथिक्स और इंटरमीडिएट में लॉज एंड इथिक्स. सो दीज आर द पेपर्स विच आई टीच. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं पर्सनल लेवल पर, और जितने स्टूडेंट्स पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं जानते हैं वो आज इस स्लाइड के माध्यम से मुझे जान जाएंगे. क्लियर है? चलिए फटाफट ये सारी बातें आप लोगों के कुछ काम की है या नहीं है ये तो आप देख लीजिए. अभी आपके काम की बात यह है, फैकल्टी फॉर लॉ सब्जेक्ट सिंस लास्ट 13 ईयर्स. कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं CA CMA CS LLB
एमबीए के स्टूडेंट्स को लास्ट 13 ईयर्स एंड आई टॉट मोर देन 12,500 स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स फेस टू फेस बैचेस के हैं, मतलब इसमें ऑनलाइन शामिल नहीं है। आज की तारीख में अगर ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस की बात कर ले तो आई एम एजुकेटर फॉर अन अकेडमी ऑल्सो, और बड़ी बात ऑनलाइन अगर वे की बात करें तो आई टॉट मोर देन 16,000 स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया। सो आप लोग ऐसा ना सोचें कि सर अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा जाने वो कैसा होगा रे, यहां पर आप देख लीजिए जाने वो कैसा होगा रे। फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया है, हेलो 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 अरुण पूजा, यस, साथ में हमारे सीए इंस्टीट्यूट सीएस इंस्टीट्यूट सीएमए इंस्टीट्यूट की भी फैकल्टी और बहुत सारी दूसरी क्लासेस की फैकल्टी रह चुका हूं। फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़े समय बाद में बताऊंगा, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा इंडिया की पहली प्रोफेशनल लॉ ऑडियो बुक, और वो आपके मेंटर सीएमए अनिरुद्ध गुप्ता ने ही प्लान की है। सो फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे 17,000 समथिंग डाउनलोड हो चुके हैं, और आप लोग वो लॉ ऑडियो बुक, क्या नाम है, लॉ ऑडियो बुक, जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आप लोगों के पास लॉ स्पेस ऑडियो स्पेस बुक गूगल नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मेरी वॉइस में आप लॉ हेडफोन पे सुनना चालू कर दीजिए, यू कैन लर्न लॉ, यू कैन लव लॉ। अब ये पहली ऑडियो बुक है इंडिया की, ठीक है, प्रोफेशनल्स लोगों के लिए लॉ सब्जेक्ट पे, ठीक है, और बाकी सारी बातें हम करते रहेंगे। गूगल प्ले स्टोर पे आप लोगों को मेरे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्रोफाउंड मेंटर्स पे कहां अवेलेबल हो जाएंगे, प्रोफाउंड मेंटर्स एप्लीकेशन पे, ठीक है। सो प्रोफाउंड मेंटर्स और लॉ ऑडियो बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, यूट्यूब चैनल, अगर मेरी यूट्यूब चैनल की बात करो तो दैट इज अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल, वही फेसबुक पेज भी है। चलिए बहुत बातें हो गई सर, अब हमें नहीं लग रहा है अनदेखा अनजाना सा, आर यू रेडी? अगर सब रेडी है तो मैंने हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बोला है, जीवन में कभी भी कुछ स्टार्ट करो तो अच्छी सोच के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहे हैं या हम कोई ईश्वर के नाम से स्टार्ट करना चाहिए अगर हम, लेकिन सर अब क्या यहां कोई भजन तो होगा नहीं, तो मैं आपको एक कविता बताता हूं जिसने मुझे भी इंस्पायर किया, और आज हम हमारा सब्जेक्ट लॉ स्टार्ट करते हैं उसी पोयम के साथ। आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यस, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रिपीट कर रहा हूं, लहरों से डरकर नौका मतलब शिप पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस रगों में विश्वास भरता है, गिर कर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में, सिंधु मतलब सागर, सी, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, बार बार जाकर खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, बार बार जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, इतने आसानी से नहीं मिलते, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। और सबसे लास्ट स्टेंजा, सबसे लास्ट स्टेंजा सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, सो इस मोटिवेशनल पोयम के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का नाम है लॉ। क्या नाम है? लॉ, लव। तो अब आप बहुत जल्दी इस सब्जेक्ट के साथ प्यार करने वाले हैं, और सिर्फ प्यार नहीं, आप बहुत जल्दी इसको पूर्णतः समझ भी जाएंगे। समझ में आया? चलिए, लव एंड लर्न लॉ। चलो, सभी लोग मुझे बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टडिंग लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम? क्योंकि 11th 12th में आपके पास अकाउंट्स पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने, कुछ लोगों का तो एडिशनल मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आपने, लेकिन एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 11th 12th या देखा जाए तो आप लोगों के एकेडमिक्स में, आप लोगों के 12th क्लास तक स्कूल में नहीं पढ़ा है, और वो सब्जेक्ट है लॉ। कौन सा सब्जेक्ट है? लॉ। अगर हम लॉ सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट CA, CMA और CS तीनों लेवल पे है। यस और नो? क्या ये सब्जेक्ट तीनों लेवल पे है? और बड़ी बात, CA की बात करें तो क्या फाउंडेशन में भी आपको लॉ पढ़ना है? क्या इंटरमीडिएट में भी आपको लॉ पढ़ना है? और क्या फाइनल में भी लॉ पढ़ना है? तो क्या ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर हम CMA की बात करें तो क्या CMA में भी आपको फाउंडेशन में लॉ पढ़ना है? क्या आपको इंटरमीडिएट में भी लॉ पढ़ना है? एंड आपको फाइनल में भी लॉ पढ़ना है? सो अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें CMA की। और CS की तो बात ही छोड़ दो, CS की तो बात ही छोड़ दो। क्या CS में लॉ पे ही हमारा मेजर फोकस होता है? तो क्या वहां पर भी CSEET में लॉ पढ़ना है, CS एग्जीक्यूटिव में लॉ पढ़ना है, एंड ऑफ कोर्स CS फाइनल जो कि प्रोफेशनल है, वहां पर भी लॉ पढ़ना है। सो क्या लॉ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लेवल्स में? चाहे आप CA की बात करो, CMA की बात करो या CS की बात करो, तो लॉ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, तो क्या बहुत फोकस होकर के हमें यह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? और अगर इस सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टाइज लेनी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज लेनी है तो यू नीड टू बी वेरी मच थॉरो विद दिस सब्जेक्ट। आपको इसकी छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या सर ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको क्रैम अप कर ले, याद कर ले। नो, ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है मेरे दोस्तों। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लगती है, और अंडरस्टैंडिंग लगने के बाद इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आजकल लाने चालू हो गए हैं। मैं आप लोगों को, जब मेरे YouTube चैनल पे आओगे, आप YouTube चैनल अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल पे, तो आप लोग देखोगे मैं ये तक सिखाता हूं कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है।
आपको एक केस आ जाता है, आपको एक सिचुएशन आ जाती है, आपको एक इशू आ जाता है और बोला जाता है बताओ इस एक्ट के हिसाब से सॉल्यूशन दो, तो आप लोगों को एक्ट के सेक्शंस प्रोविजंस नहीं बोलने, आपको उस सिचुएशन में प्रोविजन के हिसाब से सॉल्यूशन देना है। यस यस यू कैन स्टार्ट द लेक्चर्स। और रोशनी और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यस यू शुड प्लान इट आउट, क्योंकि 11th और 12th में आप लोगों को लॉ नहीं होता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th क्लास में सीए में देखना चालू कर देते हैं और हम लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एंड वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक के साथ बहुत बार आप लोग हाईएस्ट स्कोर करते हैं, और जिसका फाउंडेशन अच्छा, जिसकी नींव अच्छी, उसका आगे इमारत सोचो कितनी अच्छी होगी। क्लियर है? सो कोई ये मत सोचिएगा कि हमारा लॉ सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी है, इट इज अ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या आप लोगों को लॉ सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया? बहुत जल्दी आप इसे प्यार करना चाहते हैं और इस प्यार में मैं आपका सहभागी साक्षी बनने वाला हूं, तो क्या लॉ को प्यार करने के लिए रेडी हो? अगर आप लॉ को प्यार करने के लिए रेडी हो तो आ जाइए। क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का? लॉ। आप मुझे बताइए क्या समझते हैं आप लॉ से? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? क्या होता है लॉ? क्या समझते हैं आप लॉ से? व्हाट इज लॉ? क्या है सर कानून? क्या इसके पहले आप लोगों ने कभी कानून सुना है, कानून देखा है? क्या होता है, क्या होता है ये लॉ? सर ये लॉ हमने थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है सर, और सर हमें हर दिन लॉ फॉलो करना पड़ता है सर। आप पे, मुझ पे, इस पूरे दुनिया के हर इंसान पे कोई ना कोई लॉ लगता है ना? तो क्या होता है लॉ? व्हाट इज लॉ? क्या लॉ शब्द इससे पहले सुना है? हैव यू? क्या लॉ शब्द इससे पहले कभी सुना है? एवरीबडी यस, सुना है। अगर आप लोगों ने लॉ सुना है तो बताइए क्या होता है लॉ? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, नियम और कायदे के समूह। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो लॉ क्या होता है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर ये लॉ सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा क्या सुना सुना सा लग रहा है? सर वो कानून के बारे में हमने सुना है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सर कानून अंधा होता है। सर वो कानून की देवी देखी है हमने, कानून की देवी अंधी होती है, आंखों में काली पट्टी। क्या आप लोगों ने कभी मूवीज देखी है, हिंदी मूवीज? वो कानून की देवी अंधी होती है, काली काली है ना, पट्टी बांध करके खड़ी हुई है, हाथ में तराजू लिया हुआ है, और एक तराजू दूसरा तराजू। सोचो जरा, रिकॉल करो हिंदी फिल्म को, तो वो तराजू इक्वल होता है कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होता है? सोचो। वेदर वेदर अगर वो इक्वल है तो सोचो इक्वल क्यों है, और वो ज्यादा है तो एक तरफ का पलड़ा वेट ज्यादा क्यों है? सोचो क्या वो इक्वल होता है, क्या वो एक तरफ ज्यादा होता है? अगर आप लोगों ने बोला है इक्वल तो आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि एक तरफ का वेट ज्यादा होता है
कानून की देवी की आंखों में पट्टी होती है, और बड़ी बात सुन लो, और बड़ी बात, कानून अंधा क्यों होता है? क्योंकि जो भी उसे दिखाया जाएगा, कानून की देवी अंधी है, जो भी उसे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, सुनाई देगा, व्हाट ऑल फैक्ट्स एविडेंसेस जो आप लोगों ने सबूत बोले, जो उसको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, सुनाई देगा, उसके बेसिस पे वो निर्णय लेगी, क्योंकि वो खुद तो देख नहीं सकती है, वो खुद के लॉजिक्स जब डिराइव करेगी, जब उसको एविडेंसेस मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, तो वो सब चीजें गैदर करेंगी और उसके बाद निर्णय लेगी, और निर्णय एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, जिसके पास परफेक्ट एविडेंसेस हैं, कुछ बार तो आपने देखा होगा लॉ कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है, कभी-कभी आप सभी के सामने ये कत्ल कर देते हो, यू मेक द अदर पर्सन डाई, आपने मर्डर कर दिया, और मर्डर सबके सामने, एक बार, दो बार, तीन बार, सबको व्हाट्सएप वीडियो बनाने का बोला, सब ने बोल दिया कि ये कातिल है, ही इज अ कल्प्रिट, ही इज अ क्रिमिनल, लेकिन आप अच्छे एडवोकेट के पास आ गए और बोला कि देख लीजिए। क्या कभी कभी ऐसा होता है कोर्ट उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी, ही इज बेल्ड फ्रॉम द कोर्ट विदाउट प्रूविंग एनी ऑफेंस? और ये तो रहा तब जब लॉ का इंटरप्रिटेशन हुआ, कभी कभी तो और बड़ी बात, कभी कभी तो और बड़ी बात, ऐसा भी होता है क्या? किसी इंसान ने कुछ नहीं किया, बेचारा वहां पर बैठा था, उसके हाथ में कुछ ऐसा वो उसने चाकू निकाल लिया, आपने फिल्म में देखा होगा, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, पता लगा कि वो चाकू तो निकाल दिया, लेकिन आपका फोटो और सब कुछ एविडेंसेस आपके लिए आ गए, और बिना कोई मर्डर किए, जीवन में आपने चाकू प्याज काटने के लिए भी यूज नहीं किया, तो भी आपको सजा हो गई। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? और इसीलिए, इसीलिए कानून की देवी क्या होती है? अंधी होती है, उसे जो बताओ वैसा देखती है। क्या लॉ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय स्टेट, है ना? क्यों, किसके लिए बनता है लॉ? व्हाई, व्हाई लॉ इज मेड? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है कि सर ये जो स्टेट लिखा है, ये स्टेट क्या? स्टेट मतलब जो कानून बनाने वाले लोग हैं। क्या स्टेट का मतलब यहां पर मैंने कंट्री की बात करी है? क्या आपके देश की बात कर रही है? हर देश अपने लिए कानून, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लेकिन आप मुझे बोलोगे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हमें, सर ये कानून क्यों बनता है? मैंने आपको बोला आज के आज आपको प्यार हो जाएगा लॉ से, क्योंकि जब तक ये सारी बातें नहीं बताऊंगा तब तक आपको फील थोड़ी ना आएगा। ये तो वो सब्जेक्ट है जो हमें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल हर जगह पढ़ना है। ये देखो आप, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, CMA, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, CS, सब जगह है। तो क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है? आप सभी लोग मेरे सामने जो आज अवेलेबल हैं, वो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं, हमें आगे लाइव बैचेस, अभी COVID-19 के कारण रेगुलरली हमें लाइव पढ़ना है, लॉ सब्जेक्ट पढ़ना है, और रोज सुबह 11:30 बजे। क्या सभी लोगों को ये टाइम फिट है? और क्या सभी लोगों ने अपने कैलेंडर में अलार्म सेट कर लिया है? 11:30 बजे प्यार करने निकलना है। तैयार हो जाओ, बढ़िया, अपने आप को बेहतरीन, और निकल जाओ प्यार करने के लिए, ठीक है? और अब मैं आपको अपने क्वेश्चन पे वापस लाता हूं। व्हाई इज लॉ मेड? सर क्या जरूरत थी? फालतू ही कानून बना दिया, हमेशा कानून बना बना करके रख देते हैं।
क्या तकलीफ है इनको रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा मत करो ऐसा करो, गाड़ी ऐसे चलाओ गाड़ी वैसे चलाओ, आप वहां पर पब्लिक प्लेस पे सिगरेट्स मत पियो, पब्लिक प्लेस पे लिकर मत कंज्यूम करो, ये मत करो वो मत करो, क्लास में डिसिप्लिन रहो, क्लास में ऐसा मत करो, क्या क्यों, व्हाई इज लॉ? सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाएगा, व्हाई इज लॉ? लॉ बनता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के वेलफेयर? क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैं बोलूं कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस और नो, क्या यहां पर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या देखना कि पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा सोचो सोचो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो लॉ क्यों बनाया गया, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो लॉ क्यों बनाया गया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लॉ नहीं होता सोचो तो क्या होता, अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता सोचो, अगर लॉ नहीं होता तो क्या कोई भी इंसान गाड़ी बाइक चला रहा है? कहो ना कहो, और आप गाना गाते हुए निकल रहे हो, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो सिख। अब आप गाते गाते जा रहे हो और वहां पर आपका दोस्त, अरे आपका दोस्त मुसद्दीलाल पैदल चल रहा था, आपने बोला रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो सिकंदर कहलाएगा, और सिकंदर गाड़ी चलाते चलाते बिना उससे पूछे, अच्छा भला वो चल रहा था सीधे सीधे जा रहा था, पीछे से आप आए उसको मडगार्ड पे बिठाया, मडगार्ड आगे के टायर टायर पे बिठाया और लेके आ गए, हंसता हुआ जो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे किसी को कहीं भी टक्कर मार सकते हो? नो। क्या लॉ होना चाहिए पब्लिक के वेलफेयर के लिए? अगर आप सभी लोग चारों रास्ता, चार रास्ता है चौराहा है, इट इज अगर सिग्नल नहीं होते तो सब लोग जा करके एक जगह खड़े हो जाते, मैं पहले जा रहा हूं मैं पहले जा रहा हूं, तुम मत जाओ मैं पहले जाऊंगा, सब इकट्ठे हो जाते, कोई रूल्स नहीं होता, सोचो क्या हालत होती। और बड़ी बात, ये तो छोटी मोटी बात, बड़ी बात, एक दिन एक पप्पू आपके सामने आया और पप्पू ने बोला हाय हाउ आर यू, तो आपने कितना काला हो रहा है, हेयर कट तो देखो दिया आपने एक, बोले क्यों मारा, मेरी इच्छा, कितने काले हो रहे हो आजकल, हेयर कट तो देख लो जरा, तो क्या, हाँ एक और इधर आ एक और ले, तो क्या लॉ बहुत जरूरी हो गया है पब्लिक वेलफेयर के लिए? लॉ नहीं होता तो क्या होता, बड़ी दिक्कत आ जाती है ना। और कुछ लोग तो कल्लू मियां है, किसी की बात समझ में नहीं, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, गलत बात डिशकिया, गोली मारो भेजे में, भेजा शोर करता है भेजे की सुनेगा तो, कल्लू मामा। अभी क्या हो रहा है यहां पर, जैसी आपने डिशकियाओं कर दिया, क्या ये भी गलत हो गया? देखा जाए तो क्या यहां पर लॉ होना चाहिए? अगर लॉ नहीं होता तो कोई किसी को भी टपका देता, कोई किसी को भी चमका देता, कोई किसी को भी टक्कर मार देता, कोई किसी को भी भटका देता, लेकिन लॉ है तो बात है। सो व्हाट इज लॉ, व्हाई इज लॉ? पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉ होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, अगर कानून होना जरूरी है, समझना, अगर लॉ नहीं होता तो क्या होता, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये माना ये महफिल जवां है हंसी है, मतलब लॉ की बहुत जरूरत है, तो लॉ कौन बनाएगा, हु?
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, सर कौन? अच्छा, मैं इतनी देर से बता रहा था स्टेट स्टेट कंट्री, तो क्या पब्लिक वेलफेयर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? पब्लिक वेलफेयर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? क्या गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, क्या सरकार होती है हर देश में, और सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना। लेकिन सॉरी टू से, मुझे पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सरकार ये काम को छोड़ करके बहुत सारे काम कर रही है, इस काम पे फोकस होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह पब्लिक का वेलफेयर ही नहीं हो रहा है, बड़ी हालत खराब है। तो इस केस में श्रेया बोल रही है आपकी पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। थैंक यू, अभी तो आप देखते जाओ आने वाले समय में आप लोगों को कैसे लॉ के साथ प्यार होता है। और वैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो YouTube चैनल पे, प्लस आपको पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव और आजकल तो प्रोफाउंड मेंटर्स एप्लीकेशन, प्रोफाउंड मेंटर्स एप्लीकेशन पे आपको पूरा मोबाइल पे लॉ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तो सिर्फ एंजॉय करिए। ठीक है, सो कौन बनाएगा लॉ? गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। वेरी गुड। क्या पब्लिक वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है? यस और नो? यस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये लॉ कैसे बनता है? हाउ इज लॉ मेड? सर ये सरकार लॉ कैसे बनाती है? क्या आप लोगों को एक बात क्लियर हो रही है? जब भी हम लॉ बनाने की कोशिश करेंगे, जब भी हम लॉ बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या उसकी जरूरत होनी चाहिए? अच्छा, आपका नाम दीक्षा है, ओके। क्या लॉ कैसे बनता है, तैयार हो आप? सर पहले ही दिन इतनी सारी बातें बताओगे क्या? पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए, पहली पहली बार, पहली पहली बार में ही आनंद आना चाहिए। आपने गाना सुना होगा, वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ, जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या लौ से जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओ में चलता चला, तेरे सेक्शन में चैन, तेरे केस लॉ में खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला, वो पहली बार जब हम मिले हो गए शुरू ये सिलसिले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है लौ क्या हमने जाना। कुछ लोग बोल रहे हैं नाइस सॉन्ग नाइस सॉन्ग। तो कैसा लौ को प्यार करवाना है? आप प्यार करवाने के लिए आप मेरे साथ रेगुलर 11:30 11:30। सर आपको सिंगर होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा कौन बोल रहा है? रोशनी और स्नेहा, श्रेया, ओके।
चलो, लॉ कैसे बनता है? हम जरा ध्यान इधर उधर चले गए, वो पहली बार के चक्कर में। पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में पब्लिक वेलफेयर के लिए रूल बनाने की जरूरत है, रिपीट करता हूं, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर हमें रूल बनाने की जरूरत है, तो क्या वो जरूरत आइडेंटिफाई करेगी? कौन आइडेंटिफाई करेगा उस जरूरत को? गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट मतलब सरकार? क्या सरकार में एक लॉ मिनिस्ट्री भी होती है? क्या लॉ मिनिस्ट्री होती है? यस और नो? लॉ मिनिस्ट्री होती है। और वो लॉ मिनिस्ट्री क्या समझेगी कि जरूरत आ रही है कभी यातायात ट्रैफिक के लिए लॉ बनाने के लिए, कभी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के लिए लॉ बनाने के लिए, संविदाओं के लिए लॉ बनाने के लिए? कभी कभी आपको जरूरत आ रही है, सर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल भारतीय दंड संहिता की। कभी आप लोगों को जरूरत लगती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, माल विक्रय अधिनियम। कभी पार्टनरशिप बनाते हो तो साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट की। कभी कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 की। कभी आप बोलोगे कि एक्स वाई जेड हमारे को कस्टमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। तो ये अलग अलग जरूरत आती रहती है और उस जरूरत के हिसाब से आप लोगों को लॉ बनाना पड़ेगा, और लॉ बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास है, लॉ मिनिस्ट्री के पास है। जब भी लॉ मिनिस्ट्री को लगेगा तो वो लॉ बनाने के लिए क्या बनाएगी? कमिटी। क्या बनाएगी मित्रों? कमिटी। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी अभी तक जितने लॉ के टीचर्स हैं, कितने लॉ के अलग अलग बुक्स हैं, अगर आप कुछ भी रेफर करोगे आज का लेक्चर, आप हमेशा याद रखोगे कि सर वो पहली बार जब हम मिले। आज के लेक्चर में मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो जनरली लोग नहीं बताते हैं। देवेंद्र अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, उनका कहना है कि मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं देवेंद्र, आप ये लेक्चर मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। आप YouTube चैनल पे कनेक्टेड रहिए, प्लस आप व्हाट्सएप नंबर, क्या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मालूम है? ऐसा मत करना फोन करना चालू कर देना, नहीं तो सर बस बहुत दिनों से याद आ रही है सर एक आध गाना, सर हम सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। आप अपना नाम, अपना एग्जाम लिख करके 9827728884, और नाम, आपका एरिया कहाँ रहते हो, और आपका एग्जाम जैसे नवंबर 2020 हो, मई 2021 हो, या CMA के स्टूडेंट्स हो तो दिसंबर 2020 हो या जून 2021 हो, वो लिखिए और मुझे बता दीजिए। वैसे तो अभी कोविड-19 के कारण हमारा मई और जून 20 अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हो गया था, जो अब नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए जितने नवंबर 20 स्टूडेंट्स हैं या दिसंबर 20 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक क्रैश मैराथन, क्रैश बैच, रिवीजन बैच हम प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, 10th या 11th ऑफ अक्टूबर से। तो आप लोग 21 आवर्स में पूरा सिलेबस करने के लिए रेडी हो जाओ। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू इंटीमेट कर दूंगा, आई विल इंटीमेट थ्रू व्हाट्सएप। क्लियर है? चलिए, अब अगर आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स चाहिए तो आपको मैं लिंक्स दे दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमने सोचा कोविड-19 में हम कुछ तो नया करें, तो अभी फिलहाल हमने ये सारे लेक्चर्स अभी फिलहाल तो फ्री कर रखे हैं। सो आप लोग रेगुलर बेसिस पे आ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को लिंक दे सकते हैं। आप लोग लेक्चर्स में आए और अभी जो लिंक्स हम देते हैं वो आप अपने फ्रेंड्स को देते रहिए। तो
तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे लॉ पढ़ने का मिल जाएगा, और फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है लॉ, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि आप लोगों को लॉ कैसे हाईएस्ट स्कोर कराना है। वैसे आज आप मुझसे फर्स्ट डे पढ़ रहे हो, तो मैं आज ही आप लोगों को एक कमिटमेंट देना चाहता हूं, और वो ऐसा नहीं सिर्फ आपको ही देता हूं। मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप लॉ रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो और आप मुझसे अनिरुद्ध गुप्ता से पढ़ना चाहते हो, तो आप रोज जितना मैं बताऊं उतना रेगुलर पढ़ते चलिए। कम से कम आपको 70 मार्क्स तो आने चाहिए, कम से कम मैं ये बोल रहा हूं, इतने तो आने ही चाहिए अगर आप जितना मैं बता रहा हूं उतना पूरा करते हो रेगुलर इतना। और आपको बता दूं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज अनिरुद्ध अंडरस्कोर URS को फॉलो करते हैं, या फेसबुक पेज अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल को फॉलो करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, लोग 100% लॉ में ला रहे हैं। लॉ में कितना? 100%, 100% इन लॉ, समझ रहे हो? तो आप लोगों को पता लग जाएगा, जैसे CPT चलता था पहले, CA फाउंडेशन से पहले CPT 100%, मतलब फुल आउट ऑफ फुल, वो भी CA में फुल, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, उनकी मार्कशीट भी है। हम तो अब तक CA के क्लास नहीं लगाए, तो फिर हम क्वेश्चंस पूछ सकते? हाँ, क्वेश्चंस तो क्या, सब कुछ पूछिए, ये आपकी क्लासेस ही हैं, ठीक है? चलिए, कैसा बनता है लॉ, उस पे डिस्कशन चल रहा था। क्या लॉ मिनिस्ट्री ने एक कमिटी बनाई? क्या कमिटी का काम है उस लॉ से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट करके एक ड्राफ्ट देना? क्या वो अपने लेवल पर एक ड्राफ्ट रेडी कर करके रखेगी? और क्या ये ड्राफ्ट बनाने से पहले सजेशंस लिए जाएंगे? क्या सजेशंस देने वाले कौन लोग होंगे? क्या पब्लिक सजेशन दे सकती है? क्या लॉयर्स से सजेशंस मांगा जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, क्या जजेस अपना अपना सजेशन देंगे? क्या साथ में टीचर्स सजेशन देंगे, स्टूडेंट्स सजेशन देंगे, मतलब पब्लिक में कोई भी इंसान सजेशन दे सकता है? क्या वो सारे सजेशंस इनकॉर्पोरेट होंगे? वो सजेशंस पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद क्या रेडी होगा? एक ड्राफ्ट रेडी होगा। क्या रेडी होगा? एक ड्राफ्ट रेडी होगा। जो ड्राफ्ट रेडी होगा उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोजर ड्राफ्ट। और ये ड्राफ्ट जब रेडी हो जाता है तो रखा जाता है कहां पर? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कहां रखा जाता है? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में रखा जाता है, समझ में आ गया? और जब हम संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो क्या यही वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के सारे लोग एग्जीक्यूटिव बन करके बैठे हुए हैं? और ये पार्लियामेंट क्या करेगी? उस ड्राफ्ट को, उस कमिटी के ड्राफ्ट को देखेगी, समझेगी, और फिर ये देखेगी व्हाट विल बी द क्लास टाइमिंग। योर क्लास टाइमिंग विल बी 11:30 to 12:30। आपके क्लास टाइमिंग होंगे 11:30 से 12:30 तक, क्लियर है? ये आपके क्लास टाइम। एक बार पार्लियामेंट में आ गया वो ड्राफ्ट, तो हमेशा ध्यान रखना, पार्लियामेंट में जब भी कोई चीज आती है वो इन अ फॉर्म ऑफ अ बिल आती है, इन अ फॉर्म ऑफ अ बिल आएगी। बिल का मतलब पार्लियामेंट में वो रखा जाएगा बिल के तौर पे, और ये बिल जब भी पार्लियामेंट में रखा जाएगा, तो पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं? दो हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये रखा जाएगा डिस्कशन के लिए, और ये बिल या तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा, या ये बिल अमेंड हो जाएगा, या चेंज हो जाएगा।
जब भी कोई बिल रखा जाता है तो वो पारित हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड बिल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो वहीं पर कैंसिल, और या फिर बिल में संशोधन अमेंडमेंट आते हैं तो वो। तो अगर ये बिल क्या हो गया है? एक्सेप्ट। अगर ये बिल क्या हो गया है? एक्सेप्ट। तो इसको रखा जाता है अभी अभी। क्या ये लॉ बन गया? नो। क्या अभी ये एक्ट बन गया? नो। क्या अभी ये स्टैट्यूट बन गया? नो। इट इज नॉट अ एक्ट, इट इज नॉट अ स्टैट्यूट, इट इज नॉट अ लॉ अभी तक। फिर क्या है? ये सिर्फ एक एक्सेप्टेड बिल है, ये सिर्फ एक एक्सेप्टेड बिल है। और अगर ये एक एक्सेप्टेड बिल है फ्रेंड्स, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या लॉ अभी बनना बाकी है? बोले यस। और पढ़ना भी क्या है, कैसे लॉ बनता है? तो इसको रखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको समझेगा, देखेगा, और फिर अगर वो उस पे भारत संविधान की सील लगा दे और साइन कर दे, अगर वो सील और साइन कर दे तो वो बन जाता है एक्ट। जैसे ही सील और साइन करा तो वो बन जाता है एक एक्ट। क्या बन जाता है वो? एक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो बन जाता है एक स्टैट्यूट, वो बन जाता है एक लॉ। वैसे तो लॉ थोड़ा सा वाइडर टर्म है। एक्ट, जो एक्ट क्या होता है, जो आप लोगों ने जितना लेजिस्लेचर में लिखा था, जितना लॉ मेकर्स ने बनाया था, उसको जब अप्रूवल देते हो तो वो एक्ट बन जाती है। लेकिन लॉ में तो रूल्स भी आते हैं, रेगुलेशंस भी आते हैं, केस लॉज भी आते हैं, नोटिफिकेशंस भी आते हैं। लॉ मतलब एक ब्रॉडर रूल, और एक्ट और स्टैट्यूट वो जो पार्लियामेंट ने पास की है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वाई ओनली प्रेसिडेंट? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश में सर्वोपरि, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के हिसाब से ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो लॉ क्या होता है? समझ में आया? क्या लॉ क्यों होता है ये भी समझ में आया? पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। लॉ कौन बनाता है ये भी समझ में आ गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो क्या ये रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बहुत जरूरी हो गए? कंट्री बनाती है। कंट्री बनाती है कैसे? बनाती है जब उसकी जरूरत लगती है। गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री उसमें इनिशिएटिव लेता है, कमेटी बनती है। क्या बनती है? कमेटी बनती है, और कमेटी बनने के बाद उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट को कहां रखा जाता है? फाइनल ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, उसमें वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अगर उसको अपनी सील साइन मोहर लगा दे तो बन गया लॉ। एवरीबॉडी थम्स अप, क्लियर है? लॉ कैसे बनता है? सर ये क्या लिखा है सर, इतना सारा चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। ये क्या है? मौसम पल में बदल जाएगा। ये बदल गया मौसम, लेकिन आप लोग अगर दिल में उतार चुके हो तो बात खत्म। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट समझना, अंडरस्टैंडिंग। बाकी ये स्लाइड आएगी जाएगी। अभी तो आप लोगों को मेरे कलरफुल नोट्स नहीं बताए। आप लोगों की अगर इच्छा है कोई एकाध नोट्स आपके दिसंबर स्टूडेंट्स के लिए या नवंबर स्टूडेंट्स के लिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, प्रोफाउंड मेंटर्स पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। या बहुत एक आध बार कलरफुल, बहुत कलरफुल नोट्स है, बिल्कुल स्टूडेंट्स के आनंद को देखते हुए, और कंसाइज भी है।
बिल्कुल छोटे 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 क्रिस्पी नोट्स। आप ये नोट्स देख सकते हो प्रोफाउंड मेंटर्स पे, अगर वो लोग चाहें। वैसे तो आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट्स बनेंगे तो आप लोगों को तो मुझे ऐसे ही देना है, और 40-50 रुपीज का कुछ है उसमें आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। क्लियर है? और एक और बात आपको बता दूं, लॉ ऑडियो बुक फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोफाउंड मेंटर्स एप्लीकेशन तो ठीक है, लेकिन लॉ की जो ऑडियो बुक है गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर, तो वो लॉ ऑडियो बुक जो है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वॉइस। व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अस द लिंक, गूगल पे जाओ, डायरेक्ट सर्च करो लॉ स्पेस ऑडियो। लेकिन ऑडियो भी क्या लिखोगे, ए लिखोगे, यू लिखोगे, तो ही सबसे पहले गूगल नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन एक और बात है, सिर्फ पढ़िएगा नहीं, उसके साथ रेटिंग भी दीजिएगा, कितनी अच्छी लगी, क्या क्या अच्छा लगा, अनिरुद्ध सर ने आपके लिए ये जो फ्री इनिशिएटिव दिया है इसके बारे में आपका। वैसे एडवोकेट्स और जजेस तक रेफर कर रहे हैं, उसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है? तो आप लोगों को अगर लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी बता चुका हूं, 9827728884। इस पे आप एक मैसेज कर दीजिएगा और उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर तो आ ही जाएगा, आपका एरिया ऑफ रेसिडेंस और आपका एग्जाम कौन सा है, CA है, CMA है या अटेम्प्ट कौन सा है, CS है, तो आप दिसंबर के हैं, नवंबर के हैं, जो भी हो वो आप बता दें। क्लियर? चलो, सो फ्रेंड्स विल बी मूविंग फॉरवर्ड। और क्या देख लिया हम लोगों ने लॉ के बारे में, लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया, लॉ क्या होता है, लॉ क्यों बनता है, व्हाट इज लॉ, व्हाई इज लॉ, हाउ इज लॉ, हु मेक्स लॉ। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और आप मुझसे पूछ सकते हो, और ये है, सर व्हेन लॉ विल बी एप्लीकेबल, लॉ कब से अप्लाई होगा। सोचो, वो बनाया था कमिटी ने, एक्सपोजर ड्राफ्ट पार्लियामेंट में, लोकसभा ने उस दिन अप्रूव किया, राज्यसभा ने उस दिन अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने उस दिन सील साइन कर, सब प्रेसिडेंट जिस दिन सील साइन करते उस दिन बन जाता है लॉ। नो, जरूरी नहीं है कि जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सील और साइन करे उसी दिन लॉ बने, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कब बनेगा लॉ, लॉ बनेगा व्हेन, व्हेन सच प्रेसिडेंट हैव गिवन द अप्रूवल, जब प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल देता है तो उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है। कहां पर पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट। सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होती है, ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है सरकारी वो नोटिफिकेशन देने की गजेट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने की बुकलेट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने का तरीका, वो आता है थ्रू अ गजेट। और गजेट एक ऐसी सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाली बुक होती है। सरकार को कोई भी नोटिफिकेशन देना है, कोई भी अनाउंसमेंट करना है, कोई भी बात बोलनी है, तो सरकार कैसे अनाउंस, कैसे डिक्लेयर करती है, सरकार पब्लिश कर देती है ऑफिशियल गजट में। जिस दिन सरकार ऑफिशियल गजट में फाइनल डिसीजन पब्लिक के लिए नोटिफाई कर दे, तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही मान लिया जाता है कि ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक्ट, और ये एक्ट अब इस डेट से एप्लीकेबल है।
कौन सी डेट से एप्लीकेबल है? द डेट ऑन विच इट इज बीन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट. जिस दिन वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है उस दिन से वो लॉ अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा, लागू होने की दिनांक. इट विल बी एप्लीकेबल. उस दिन से वो एक्ट क्या हो जाएगा? एनफोर्स सीएबल. ठीक है, वो फोर्स में आ जाएगा. एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर देखे? आज लोग हम लोगों ने देखा व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, क्लियर है. फिर हम लोगों ने देखा व्हाई. फिर हम लोगों ने देखा हु, हाउ और व्हेन. फाइव क्वेश्चंस हम लोगों ने आंसर करे. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. और आज का हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं. आपका आपका ये लॉ का लेक्चर कैसा रहा? हाउ यू फेल्ट, कैसा लगा? क्या आपने जो सोचा था वैसा ही मिला? हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसा हम सोचते थे कि सर हमने सोचा था क्या होगा, सर लॉ भी बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होगा, यहां तो बड़ा मजा आ रहा है. सो कैसा लगा आपको लॉ सब्जेक्ट? क्या आपको बड़ा मजा आ रहा है? और अगर आपको लॉ में मजा आ रहा है तो कल हम लोग कब मिलने वाले हैं, जल्दी से बोलो. कल हम मिलने वाले हैं 11:30 को. इसके बाद आप लोगों की क्लास रहेगी. अब आपका इकोनॉमिक्स का शायद लेक्चर है, लॉ पढ़ेंगे आप 11:30 पे. इसके बाद 12:45 पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 2:00 पे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद 3:15 पे आप पढ़ेंगे मैथ्स. ठीक है, समझ में आ गया एवरीबॉडी? तो बहुत शानदार टीम आपके सामने आने वाली है. आप सभी शानदार तरीके से पढ़ो और आज का फीडबैक मुझे ध्यान से व्हाट्सएप पे जरूर अपने फीडबैक दे देना, अपना नाम और सब कुछ लिख करके, ताकि मैं एक ग्रुप बना दूं. लिंक्स आपको मिलती जाए रोज की, आपको लिंक्स मिलेगी एवरीडे बेसिस पर. यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी, आप फॉलो करते रहना अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल को यूट्यूब पे और फेसबुक पे अनिरुद्ध गुप्ता ऑफिशियल. और आप बोलोगे तो मैं इंस्टा पे पोस्ट करवा दूंगा, एक बार चेक कर लेंगे. व्हाट्सएप पे अब आजकल सब सोशल मीडिया का जमाना है. COVID-19 ने हम सभी लोगों को ऑनलाइन के बहुत करीब कर दिया है. बैठे हैं दूर लेकिन दिल करीब है. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर. और आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो अपने अपनों का रखोगे और अपने अपनों का रखोगे तो अपना रखोगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर. या हम एक ग्रुप बना लेंगे जल्दी. और आप लोग रेगुलर बेसिस पे लिंक अपने फ्रेंड्स लोगों को फॉरवर्ड करना. कोई भी इंसान मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाय बाय.